हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी DIY शेयर करूंगी, जो आप इजीली घर में अपने किचन में इसको बना सकते हैं और अपनी स्किन पर नेचुरल ग्लो लेके आएंगे और आपके जो है स्किन पे जितने भी एक्नी स्कार्स हैं वो इसके रेगुलर यूज़ से ख़त्म हो जाएंगी। इस रेमेडी को जी आपने वीक में 2 times अप्लाई करना है अपने फेस पे और किसी भी जो है ठंडे पानी से आपने इसे वॉश कर लेना है। रेमेडी बहुत ही ईजी है, तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जी अपने किचन में ईजिली अवेलेबल राइप टोमेटो चाहिए। मैंने यहाँ पर टोमेटो जूस जो है वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है टोमेटो को ब्लेंड कर लिया है ताकि मैं इसका जो छिलका है वो भी यूज़ कर सकूं। और अगर आप इसको कद्दूकश करना चाह के करके आप इसका जूस निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं जी। एलोवेरा जेल हमने ली है 1/2 tablespoon और टोमेटो जूस जो है वो हमने कम से कम 4 tablespoon लिए हैं। इसमें हम 4 tablespoon ग्रेजुअली राइस फ्लोर ऐड करेंगे ताकि अच्छे से या आपस में जो है वो यकजा हो जाए। तो हमने इसको 1 by 1 हमने ऐड करना है और जब 1-2 spoon अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 spoon और ऐड करने हैं राइस फ्लोर के, अच्छे से मिक्स करना है जी। आ जाते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। टोमेटो जूस आप सब जानते हैं कि जो भी टोमेटो है वो हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ रखता है। बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हैं स्किन ब्राइटनिंग में, उसकी क्लिनजिंग में, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो हमने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया है वो जी आपके स्किन पर जितने भी डेड स्किन है वो इसको रिमूव करेगा। और ये DIY अगर आप राइस फ्लोर यूज़ करते हैं या राइप राइस यूज़ करते हैं तो वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये बहुत सारी कोरियन रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं। इसके बाद हमने डालना है जी विटामिन ई का एक कैप्सूल, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें 4 tablespoon राइस ऐड कर दिए थे राइस फ्लोर और अब मैं इसमें 1 जो है विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जो कैप्सूल है ये आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है और एलोवेरा जो जेल है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखती है, ग्लो देती है। हमने इन 3-4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के छोड़ देना है और फिर अपनी जो स्किन है उस पर अप्लाई करना है और 20-25 मिनट बाद फेस वॉश कर लेना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको और यूज़ करने से आपको अपनी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।